दोस्तों पाकिस्तान की स्थिति इस समय क्या है हम सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान के लोगों को जो बेसिक नीड होती है जीने के लिए, वो सारी चीजें भी समय नहीं मिल पा रही है, जिसमें खाना पानी या फिर मेडिकल सुविधा आप ले लीजिए, इन सारी चीजों की भारी कटौती है। और ये केवल एक शुरुआत है, अभी तक पाकिस्तान ऑफिशियल बैंककरप्ट नहीं हुआ है। जिस दिन ये चीजें हो जाएंगी ऑफिशियली, उस दिन पाकिस्तान में स्थितियां और ज्यादा गंभीर होंगी। और हम लोगों ने जो पास्ट में देखा है सीरिया के अंदर या फिर इराक वगैरह के अंदर, ठीक ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान में बहुत जल्द आने वाली है। इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग पलायन करेंगे बड़ी मात्रा में और पलायन करके वो भारत की सीमाओं को पार करके भारत के अंदर भी घुसने की कोशिश करेंगे, जैसे रोहिंग्यास के मामले में हम लोगों ने देखा या फिर हम लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखा। कुछ इस तरह की स्थिति बहुत ही जल्द पाकिस्तान में होने जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत ऑफिशियली बताया जा रहा है कि हो चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को शिफ्टों में छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पहले जो एलिट क्लब था, जो कि काफी ज्यादा रिच था, जिनके पास रिसोर्सेज थे, जो कि वीजा लेकर लीगली किसी दूसरे देश में जा सकते थे, उन्होंने जाना शुरू किया। फिर उसके बाद थोड़े कम दर्जे वाले लोग या फिर जिन्हें हम लोग मिडिल क्लास कह सकते हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान से पलायन शुरू किया। और ये सारी चीजें और सारी घटनाएं इसी साल की शुरुआत में हुई है, अभी दो महीने भी बराबर नहीं हुए इस साल को शुरू हुए। तो इनमें ऐसे लोग थे जो लोग पढ़े लिखे थे, थोड़ा बहुत पैसा था, ये विदेश जा सकते थे, इन्हें वीजा वगैरह मिल सकते थे, तो इन्होंने जाना शुरू कर दिया और विदेशों में ही अपना भविष्य ये लोग देखने लगे। अब इसके बाद कुछ ऐसा वर्ग भी है पाकिस्तान में जो कि न तो वीजा लेकर वहां पर जा सकता और एक ऐसा तबका जिसकी की कोई हैसियत है ही नहीं। तो इन लोगों ने अब बिल्कुल सीरिया वीरिया जैसे लोगों की तरह इनलीगली वेस्टर्न कंट्रीज में घुसना शुरू कर दिया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि कुछ लोग पाकिस्तान के, कुछ अफगानिस्तान से, कुछ सीरिया से और कुछ लोग इराक से, इस तरह से कुल 100 लोगों की एक टोली नाव में बैठकर इनलीगली इटली में प्रवेश करने जा रहे थे। वैसे आप सब लोगों को शायद बताने की जरूरत नहीं होगी, आप जानते ही होंगे कि जितने भी इनलीगली इस तरह से माइग्रेंट वगैरह होते हैं, ये यूरोप में घुसने के लिए इटली के जलमार्ग का इस्तेमाल करते हैं और इटली के तटवर्ती इलाकों में पहुंच जाते हैं और वहां से फिर यूरोप के अलग अलग देशों में फैल जाते हैं, जहां पर कुछ साल ये लोग मेहनत मजदूरी करके वहां की नागरिकता कैसे ना कैसे करके ले लेते हैं। उसके बाद ये लोग बड़े बड़े देशों में भी पलायन करते हैं। जब इन्हें नागरिकता एक्चुअली मिल जाती है, उसके बाद अमेरिका, कनाडा, इस तरह के देशों में भी ये लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो पाकिस्तान से माइग्रेशन हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के भी कुछ लोग थे, ये लोग जल मार्ग से इटली जा रहे थे। एक्चुअली ये लोग पहले टर्की पहुंचते हैं, टर्की के रास्ते फिर ये लोग इटली जाने की कोशिश करते हैं। अब बताया जा रहा है कि नाव में कुल 100 लोग सवार थे, जो मैंने आपको बताया कि इन किन देशों से थे, और ये लोग इटली की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन बीच में मौसम खराब हो जाता है और इन सब परिस्थितियों की वजह से नाव जाकर एक चट्टान से टकरा जाती है और फाइनली ये नाव डूब जाती है, जिसमें से इस समय तक पुष्टि हो पा रही है कि 60 लोग जो 100 बैठे थे टोटल लोग, उनमें से 60 लोग मारे जा चुके हैं। और ये जो 100 लोग नाव में सवार थे टोटल, इनमें से 60 की संख्या में जो लोग थे वो पाकिस्तानी मूल के थे, जो पाकिस्तान से भागकर इटली जा रहे थे। और ये जो टोटल अभी तक मारे गए हैं, इनमें से 40 लोग पाकिस्तानी थे, बाकी कुछ और लोग लापता हैं। समुद्र के अंदर रेस्क्यू टीम में खोजबीन कर रही है और ये सारी जानकारी दी गई है इटली की राजधानी रोम में बसे पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से। कहने का मतलब एकदम ऑफिशियल न्यूज है। तो इस तरह की चीजें अब पाकिस्तान में होनी शुरू हो चुकी है, लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं बचता। क्योंकि पाकिस्तान के आसपास अगर देखें तो भारत को छोड़कर अन्य ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर वो लोग शरणार्थी बनकर जा सकें। इवन पाकिस्तान के आसपास के जितने भी देश हैं, उनके खुद के नागरिक दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति से इस समय हमारा पड़ोसी जूझ रहा है। कहने का मतलब हमारा कट्टर दुश्मन है, वैचारिक दुश्मन है, उसके बावजूद उसकी इस परिस्थिति पर हम लोग एंजॉय भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों एक बार थोड़ा सा सोच कर देखिए कि अगर ऐसी परिस्थितियां भारत में आ जाती है, पाकिस्तान में तो फिर भी काफी कम आबादी है भारत की तुलना में, भारत के अंदर 125 करोड़ लोग हैं, बराबर शायद पूरा यूरोप मिलकर भी भारत की आबादी को अपने अंदर समा नहीं सकता। अगर भारत में ऐसी किसी तरह की कोई क्राइसिस वगैरह आ जाता है तो हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आएगा तो हमारी सीमाओं पर दो तरफ पाकिस्तान और चाइना ऑलरेडी बैठे होंगे। हम लोग चाहकर भी पाकिस्तान और चाइना तो जा नहीं सकते शरण लेने के लिए। श्रीलंका हमें क्या शरण देगा, नेपाल भूटान क्या शरण देंगे? कहने का मतलब हिंद महासागर में डुबकी लगाने के अलावा हमारे पास अन्य और कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस बात को याद रखिएगा और ये एक बहुत बड़ा लेसन है भारत के लोगों के लिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि ये वाला मैसेज मैं आप लोगों को दे पाऊं। ये लोग तो फिर भी किसी न किसी तरह का इमोशनल कार्ड वगैरह खेलकर यूरोप में रह लेंगे और कैसी भी परिस्थितियों का सामना बड़ी आसानी से कर लेंगे और वहां पर भी अपने टशन नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने देखा जो सीरिया, इराक वगैरह से शरणार्थी यूरोप में पहुंचे थे वो कितनी दादागिरी से रह रहे थे,
दुनिया के कई सारे एनजीओस, कई सारी संस्थाएं भी उन्हें प्रोटेक्शन देती है। और ये लोग फ्रांस में, जर्मनी में और अलग अलग बड़े बड़े यूरोपियन देशों में बहुत ज्यादा उत्पाद मचा रहे हैं। अपनी तो इतनी भी हैसियत नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, जो कुछ भी है हमारे लिए हमारा भारत ही है, तो इस भारत को सहज कर रखने की जवाबदारी हमारी है। ऐसी परिस्थिति अगर भारत में आ जाए तो यकीन मानिए वो हमारा आखिरी दिन ही होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां भारत में आए इसके लिए कुछ लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं। जय हिंद।